अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। समर आ चुका है, गर्मी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। इस तपती गर्मी में बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बॉडी में पानी की कमी होने पर बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाती है, जैसे कि बॉडी से निकलने वाला जो पानी होता है, यानी कि यूरिन हो या पसीना हो, ज्यादा निकल जाए। इसका मतलब कि हम जो दिन भर में पानी पीते हैं वो पानी हम कम पीते हैं, लेकिन पसीना और यूरिन ज्यादा जाएगा तो वैसे में बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। अगर आप पानी ज्यादा पियोगे, पसीना और यूरिन कम जाएगा, तो वैसे में बॉडी आपकी डिहाइड्रेट नहीं होती है, हाइड्रेट रहेगी। समर्स में जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तब आपको थकान महसूस होने लगेगी, सर दर्द, चक्कर आने लगेगा, इरिटेशन, वीकनेस, एक्ने, पिंपल्स, ये सब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इन सब से बचने के लिए आपको ये टिप्स फॉलो करना चाहिए ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। पानी ज्यादा पीना चाहिए, कम से कम 2.5 लीटर से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें पानी पीना याद ही नहीं रहता है, ऐसे में आपको एक बॉटल रख लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट से 1 आवर पहले एक बॉटल पानी पीना चाहिए, लंच से 1 आवर पहले, चाहे जैसे भी हो, लेकिन एक दिन में आपको 3 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए। हो सका तो इससे ज़्यादा भी पानी पी सकते हो, लेकिन कम नहीं पीना चाहिए। जैसे ही बॉटल का पानी ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से बॉटल भर के रख लेना चाहिए, ताकि आप पानी पीना ना भूले और टाइम टू टाइम आप पानी पीते रहे और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखे। पानी ज़्यादा पियेंगे तभी आपकी बॉडी स्किन हाइड्रेट रहेगी, वरना स्किन बेजान सी हो जाएगी। आप वर्क ज़्यादा करते हो या फिर आपको गर्मियों के टाइम ज़्यादा स्वेट आता है, तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। जितना ज़्यादा पसीना जाएगा, उतनी कमज़ोरी और थकान सी महसूस होने लगेगी, इसीलिए ज़्यादा पानी पीना चाहिए, वरना बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। जितना ज़्यादा पसीना जाएगा, उतना ज़्यादा आप पानी नहीं पियोगे, तभी आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी। वाटर कंटेंट बैलेंस रखने के लिए समर्स में जितना हो सके उतना ज़्यादा फ्रूट्स लेना चाहिए, जो फ्रूट्स में पानी ज़्यादा हो, जैसे कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी और भी बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, उन्हें लेना चाहिए। ऑयली और जंक फूड समर्स में थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे फूड इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसकी जगह स्मूदीज ले सकते हो आप, शेक ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, नींबू पानी, शरबत, नारियल पानी, आम पन्ना ले सकते हो। इसके साथ साथ थोड़े से सब्जी के सीड्स एक ग्लास पानी में हाफ एन आवर सोक करके ले सकते हो। इसे लेने से बॉडी हाइड्रेट रहती है। हमें कैसे पता चलेगा कि अपनी बॉडी हाइड्रेट है भी या नहीं, तो आप ऐसे में चेक कर सकते हो। जब भी आप यूरिन पास करोगे, तब चेक ज़रूर करना कि यूरिन का कलर वाइट या लाइट येलो कलर आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है। अगर यूरिन का कलर डार्क येलो कलर आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है। ऐसे में आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि बॉडी हाइड्रेट रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सनर्श्वर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक और न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।